गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सर्दियों का आनंद ले रहे हो। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अलमीरा कैसे सेट करनी है, क्योंकि मैं अभी मेरी अलमीरा भी दिखाऊंगी आपको कैसी फैली पड़ी है। और मैंने ये ऑर्गेनाइजर मंगाए हैं तो इनको भी सेट करूंगी। सो गाइस, पूरी वीडियो वॉच करना, पूरा देखना, भरी हुई अलमारी कैसी पड़ी है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजर को सेट करके अलमीरा कैसे सेट करूंगी जो थोड़ी जगह में ज्यादा कपड़े आ जाएं। सो गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अलमीरा की ओर। सो गाइस, चलिए। सो गाइज, ये देखिए आप, ये अलमीरा की हालत देख रहे हो आप। एक कपड़े निकालो, चार निकल रहे हैं, इसी में सारे हौच पौच हुए पड़े हैं। काफ़ी दिन से सोच रही थी इसको सेट करने की, कर भी देती थी, फिर हो जाती है बार बार इस तरह से। तो मैंने इसके लिए ये ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं और अब मैं इसको सेट कर रही हूँ। तो ये मैं सारे कपड़े ये बाहर मैं निकाल दूँगी, तो चलते हैं फिर, मैं आगे के कपड़े निकाल के और सेट करती हूँ। ये देखिए आप, आपने पहले भी देखी थी अलमीरा मैंने दिखाई है कि इस तरह से यही कपड़े थे उसमें भी, लेकिन क्या हालत हो गई थी, क्योंकि वो अच्छे से मेरे एक कपड़े निकालती थी सारे निकल जाते थे, फिर रख दो फिर भी हो जाते। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, ये मुझे काफ़ी ठीक लगे, क्योंकि इससे पार्टीशन इस तरह से बन गया है कि इसमें कपड़े इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अलमीरा थोड़ी गहराई में है मेरी और ऊँची भी है, तो इसमें ये जो पाइप लगा हुआ है इस तरह से स्टील का, ये लगा हुआ है, मैंने साड़ी या सूट के लिए लगवाया था। लेकिन अब साड़ियाँ ना, मैंने एक अलग अलमीरा है उसमें सारी बॉक्स में करके रख दी, किसी दिन मैं साड़ियों का भी निकालूंगी पूरा। ये तो मेरे डेली यूज़ के जो कपड़े हैं वो हैं, तो इधर मैंने ये सारी शॉल स्टॉल वगैरह ये लगा दी हैं, ये आप देख रहे हो इस तरह से, ये क्योंकि ये डेली यूज़ के हैं। और ये जो हैं, ये गर्म कुर्तियाँ हैं मेरे, गर्म सूट कर कुर्तियाँ जो भी हैं ये इसमें लगा दी हैं। और इसमें भी जो मिक्स हैं, कुछ कॉटन के हैं, कुछ सिल्क के भी हैं इस तरह से, तो ये डेली यूज़ के कपड़े हैं मेरे, तो मैंने इनको इस तरह से लगा दिया है। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही थी, ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने पहले वीडियो में दिखाए थे कि मैं इनको यूज़ करती हूँ, सो गाइस इसमें ना मैंने ये सारे अपने स्वेटर इसमें रख दिए हैं। तो मुझे यहाँ से ट्रांसपेरेंट यहाँ से दिखता है कि इसमें स्वेटर रखे हैं, तो मैंने इनको इस तरह से करके ये रख दिया है। और अब ये जो है, जो DIY किया हुआ था घर पे ऐसे, ये जो कार्डबोर्ड है इस तरह से गत्ता, तो इसमें मैंने सारी लेगिंग जो होती है वो सारी मैंने इसमें रख दी है। तो मुझे पता है कि इसमें लेगिंग है और इसको मैंने इस तरह से ये आ गया है, क्योंकि थोड़ी ना अलमीरा गहरी है, ये चौड़ाई इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो ये देखो पीछे तक आके भी यहाँ पे इतनी जगह ये आ गई है। तो ये मुझे जो ना पार्टीशन है ये बहुत अच्छे स्पेस लगे, इसमें कपड़े इधर उधर भी नहीं जाएंगे, और आपको जो निकालना है आप बीच में से भी एक कपड़ा एक सूट आराम से निकाल सकते हो, और इसको इधर उधर ये नहीं फैलेंगे, और इनको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर इसको डिवाइडर एक आपको ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप इधर कर लीजिए तो इधर ज़्यादा स्पेस निकल आएगा, जैसे आपको यूज़ करना, मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये चार वाला जो सेट है वो मंगवाया है, और ये भी, ये जो रखा है बॉक्स, ये भी DIY किया हुआ है, पर ये चलते खूब हैं क्योंकि इनके जो है ना मजबूत होते हैं। और ये ऑर्गेनाइज़र है, तो इसमें मेरे अंडर गारमेंट्स वगैरह रहते हैं, जो सॉक्स वगैरह हैं वो रहते हैं, और इसको भी इसके ऊपर मैं करके रख सकती हूँ, या मैं इसको चाहूँ तो इधर इस तरह से ये कर दिया है मैंने। और ये देखिए आप, पूरा ये जो ना लुक ये निकल के आ रहा है।
अब मुझे अगर कोई और एक दो चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी टांगने की, क्योंकि साड़ियाँ वगैरह तो मैं ऊपर की अलमीरा में रखती हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कहीं थोड़ा बहुत जाना आना होता है तो दो एक साड़ियाँ मैं यहाँ पे भी हैंगर में करके रखती हूँ, तो उनको मैं अभी हैंगर में करके भी ऊपर टांगूँ तब भी बहुत स्पेस इसमें अभी बकाया है, काफ़ी स्पेस इसमें निकल के आया है। सो आप ये देखिए ओवरऑल लुक ये आया है निकल के। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इस तरह के पार्टीशन ये डिवाइडर ये ले सकते हो, ऑनलाइन अमेजोन पे ही मिले हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनका थोड़े हल्के भी होते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको हमें कौन सा कोई करना, एक पार्टीशन ही देना है, एक डिवाइडर ही है, तो आप बड़े आराम से। और अगर इसकी स्लैब जो मोटी हो या पतली हो तो उसको भी आप इसको एडजस्ट थोड़ा सा कर सकते हो, क्योंकि ये वायर के बने हुए होते हैं। सो गाइज ये देखिए आप, सो गाइज ये देखिए आप, पूरी अलमीरा सेट हो चुकी है। और इसको इस तरह से हमें कपड़े भी पता होते हैं कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं, तो हम उसमें से आसानी से निकाल लेते हैं। हाँ 8-10 दिन में फिर हो जाती है, तो फिर आप सेट कर लीजिए, वो तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि इससे आसानी ही हो जाती है, कपड़े इधर उधर मिक्स नहीं होते, जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पहले, तो इस वजह से मैंने ये मंगवाया और ये मुझे यूज़ करूँगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत अच्छे, इनसे कपड़ों का सेटिंग अच्छी हो जाएगी, तो क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं, छोटे कपड़े हैं, बड़े हैं, तो ये कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है। सो गाइज चलते हैं, मैं आप भी मंगवाइए और इसको यूज़ करके देखिए, बहुत महंगे नहीं है, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो 4 का सेट या 2 का आप मंगवा के देख लीजिए आपको अपने हिसाब से। सो थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो और कुछ आपके लिए नया लेके आऊँगी।